मौला हक इमाम या हसन या हुसैन, 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 या हुसैन या हुसैन। ओ विदे बीमार था कोरोना की वजह से लॉकडाउन है, लेकिन खुदा का शुक्र है कि पाकिस्तान में आजादारी खुले अंदाज से हो रही है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का शुक्रिया, पुलिस एहतान का शुक्रिया, पुलिस इंतजामिया का शुक्रिया, और जो जो भी इंतजामी फराइज अंजाम दे रहे हैं पाकिस्तान का शुक्रिया कि उन्होंने ये साथ दिया कि इमाम हुसैन की आजादारी हो रही है। कोई भी मौसम कोई भी वक्त हो, कराची में बेपना बारिश हुई, शहर डूबता रहा, लेकिन आजादारों के हाथों में अलम रहे। पंजाब में और दीगर शहरों में, सिंध के दूसरे शहरों में, पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों में जब बारिशें होती रही, पारा चिनार में बारिशें होती रही, कोहाट में बारिशें होती रही, लेकिन सैलाब आते रहे, लेकिन हुसैन की आजादारी रुकी नहीं, क्योंकि हमारा वजह तख्लीक हुसैन की आजादारी है। जनाब सैयदा की दुआ से हम और आप खल्क हुए हैं। जितने आजादार इस वक्त यहाँ मौजूद हैं, आज जनाब सैयदा से वादा करके जाना है कि बीबी किसी भी हाल में आपको हुसैन की आजादारी नहीं छोड़ेंगे। जितने हमारे भाई हैं, इसके अलावा ब्रदरान अहले सुन्नत हैं, सब मजलिस हुसैन में आते हैं, सबको इमाम हुसैन से प्यार है। अब जो हमारे यहाँ मातम होता है, अहले सुन्नत ब्रदरान मातम नहीं करते, लेकिन हुसैन से इश्क जरूर करते हैं, तो सबका आना यहाँ पर इत्तेहाद का सबूत है, और ये इत्तेहाद बरकरार रहना चाहिए। इमाम हुसैन के नाम पर हम सबको एक साथ रहना चाहिए, रसूलल्लाह के नाम पर हम सबको एक साथ रहना चाहिए, क्योंकि रसूलल्लाह ने कहा हुसैन मिन्नी वाना मिन्नल हुसैन, हुसैन मुझसे और मैं हुसैन से हूँ। अब मातम बेशक वो लोग ना करें जो मातम जिनके यहाँ इजाज़त नहीं है, कि जिनका इजाज़त है वो मातम जरूर करेंगे। चार मिसरे शुरू में मैं पढ़ूंगा, इसमें जनाब सैयदा से वादा करना है, चाहे वो शिया हो चाहे वो सुन्नी हो। मिसरे सुनना, दिल इजाज़त दे तो हाथ उठाना, ज़बरदस्ती किसी से नहीं है। मैं मिसरे पहली बार मैं पढ़ूंगा, अपने ईमान का इजहार करूंगा, और ये कलाम सुनकर नहीं ईमान समझकर इस कलाम को सुनना है। हाथ मिसरा सुनना, दिल इजाज़त दे तो हाथ उठाकर फिर मेरे साथ बोलना। और ये वो बात मैं पेश कर रहा हूँ, इसमें और कोई ऐसी बात नहीं है कि किसी मतलब फिक्र में किसी बात का इख्तलाफ हो। बात सिर्फ ये कि बीबी सैयदा, आपके हुसैन को हम नहीं भुलाएंगे, आपने हमें नहीं बुलाया, हम आपके हुसैन को नहीं भुलाएंगे। ये बिनते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिन फातिमा ज़हरा सलाम अल्लाह से वादा करना है। एक एक शख्स जो हुसैनी होने की हैसियत से आया, शिया और सुन्नी नहीं, हुसैनी होने की हैसियत से आया है, वो हाथ उठाकर मेरे साथ बोले हुसैन हुसैन हुसैन। हुसैन 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 हुसैन, है इरादा है ये वादा, बीबी जहरा से है इरादा है ये वादा,
हाथ उठा के महात्मा के भी सिरों पर होगा, सब एक साथ हाथ उठाना, एक साथ हाथ उठेगा महात्मा को तो एक साथ होगा, अपनी मर्जी नहीं हुसैन की मर्जी से चलो। है इरादा है ये वादा बीबी जहरा से, बीबी जहरा से मोहम्मद की घराने से, मोहम्मद के घराने से वफादारी न छोड़ेंगे, आजादारी न छोड़ेंगे, आजादारी न छोड़ेंगे। जरा ऊंची आवाज से पैसा आवाज से कर बड़ा, कम से कम आवाज आए ऊंची आवाज से बोलना, आजादारी करना मोहम्मद के घराने से, मोहम्मद के घराने से वफादारी न छोड़ेंगे, आजादारी 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 करें सबके साथ मिलकर मातम करें, आगे आइए, आगे आइए, तशरीफ लाइए, आगे आगे तशरीफ लाइए, सलामत रहे आप, मातमे को जगह दीजिए। जब मातम उठेगा तो कोई मातमी हल्के में सिर्फ खड़ा होकर छकल ना देखे, वो जगह छोड़ दे अगर मातम नहीं कर सकता तो। न छोड़ेंगे माशाल्लाह, छोड़ेंगे आजादारी, न छोड़ेंगे आजादारी, न छोड़ेंगे। सियाह कपड़े सियाह चादर हुसैन की निशानी है, लबों पर नौहफानों की लुटे घर की कहानी है, किसी की मत पे इस घर से, किसी की मत पे इस घर से वफादारी न छोड़ेंगे, वफादारी न छोड़ेंगे, आजादारी न छोड़ेंगे, छोड़ हम वादा कर रहे हैं गाजी अब्बास से, रामदार अलैहिस्सलाम से।
वादा करना है जो जो अलम उठाता है हमारे ब्रदरान सुन्नत भी अलम उठाते हैं, अक्सर मन्नत का अलम उठाते हैं, क्योंकि ये अलम रसूल की निशानी है। यही अलम रसूल से अली तक आया मौला तक, और अली मौला से अब्बास से अलमदार तक आया। हाथ उठाकर गाजी अब्बास से वादा करना, सारे सारे हुसैनी हाथ उठाओ, सारे हाथ उठाकर अलमदार हुसैनी से